नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। सुबह के इस खास अंक में आप सभी का स्वागत है। पानीपत में 6 साल की बच्ची का रेप के बाद की गई हत्या के मामले में पकड़ा गया दरिंदा। आरोपी को आज पेश किया जाएगा कोर्ट में, उसके बाद आरोपी को लिया जाएगा पुलिस रिमांड पर। दो दोस्तों की चल रही थी शराब पार्टी, पार्टी के दौरान हुआ झगड़ा तो एक दोस्त ने दूसरे पर किया ईंटों से हमला, जिसके बाद श्रमिक की हुई मौत। पानीपत शहर के गांव पलहेड़ी के रहने वाले एक सिरफरे युवक की सनकी वारदात। लड़की को करता था परेशान, परिजनों ने की दूसरी जगह शादी तो ससुराल में भेजी सनकी। युवक ने आपत्तिजनक फोटो, सेक्टर 13-17 थाना पुलिस ने किया मामला दर्ज। पानीपत में टोल प्लाजा के पास कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में हुई बाइक सवार की मौत। टक्कर मारने के बाद कार चालक भी मौके से हुआ फरार, सेक्टर 13-17 थाना पुलिस ने किया मामला दर्ज। हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने पानीपत को दी सौगात, एग्रोमोल में शिफ्ट होगा नगर निगम। सीएम ने कहा नगर निगम कागजी कार्यवाही शुरू करे। आरी कॉलेज में तिरंगा फहराकर मनाया गया 76वां स्वतंत्रता दिवस। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने कहा 76वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 1 साल तक मनाया जाएगा अमृत महोत्सव। गांव सुताना में सालों पुराने जोहड़ में भरा है गंदा पानी, ना ही होती है पानी की निकासी और ना ही सफाई, जिसके बाद गाँव के निवासी ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को दी शिकायत। पानीपत सहित हरियाणा के 4 शहरों को जल्द मिलेगी एसी इलेक्ट्रिक बसों की सौगात। पानीपत शहर में सिटी बस सर्विस की जरूरत महसूस की जा रही थी काफी समय से। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़ रहे वॉइस ऑफ पानीपत के साथ नमस्कार।